स्ट्रीट आर्ट, वो भी जंगल के बीचों बीच। रूस के ग्राफिटी आर्टिस्ट एवगेनी चेस स्ट्रीट आर्ट को नया आयाम दे रहे हैं। ये शहर में किसी दीवार पर नहीं बल्कि मॉस्को के करीब एक जंगल में सेलोफेन शीट पर रंग बिखेर रहे हैं। इसलिए बैकग्राउंड को पारदर्शी रहना चाहिए, इसलिए जब आप रूपरेखा तैयार करते हैं तो आपके पास गलती करने की गुंजाइश नहीं होती, बाद में आप गलतियों को सुधार नहीं सकते हैं। एवगेनी पिछले 7 सालों से इस तकनीक के साथ प्रयोग कर रहे हैं। सेलोफेन शीट पर ग्राफिटी बनाने की शुरुआत फ्रांस से हुई, लेकिन इसे जंगल में बनाने का आइडिया एवगेनी का ही था। जंगल में वो जानवर ही बनाते हैं ताकि ग्राफिटी आसपास की कुदरत में समा जाए। स्ट्रीट आर्ट से अक्सर लोगों को यही समझ आता है, सड़कों पर की जाने वाली कला, लेकिन ये यहाँ एक एक्सपेरिमेंट है। मैं ग्राफिटी की कला को कुदरत में ले आया हूँ। अपने एक्सपेरिमेंट में मुझे सिर्फ यही पसंद नहीं कि मैं प्लास्टिक की शीट पर पेंट कर रहा हूँ, बल्कि ये भी कि मैं कहाँ पेंट कर रहा हूँ। हर जगह का अपना एक अलग ही माहौल होता है। एवगेनी पिछले 20 सालों से ग्राफिटी आर्टिस्ट हैं। मॉस्को के स्टूडियो में और भी कई आर्टिस्ट उनके साथ काम करते हैं। नए कलाकारों के लिए वे वर्कशॉप आयोजित करते रहते हैं। वे रूस में स्ट्रीट आर्ट को और लोकप्रिय बनाना चाहते हैं।